Hello friends, welcome to the Jagran Josh video series for the preparation of Civil Services Preliminary Exam for the Modern Indian History. Modern Indian History means Aadhunik Bharat ka itihas. Let's begin with the significance of the modern Indian history. Point number one, it is important because if you understand modern India, you can understand the constitution of India as well as the modern society. And number two, for the preliminary examination, this is very important because 10 to 12 questions are asked from this section. It means it constitutes at least 10 to 12% of the total question paper. Let's move towards the approach section. Factual and conceptual areas should be covered in harmony because at least 30% questions are asked which are based upon the concept, and rest of the 70% which are factual, that too can be prepared properly if you understand the concept. Because ki jab talak ki aap concept nahi janoge, तब तलक आपको किसी भी फैक्ट का रेलिवेंस नहीं मालूम होगा और उसे आप याद भी नहीं रख सकते हो. इसीलिए आपको बेसिक टेक्स्ट पढ़ना चाहिए जो आगे बताया गया है. इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट यह होता है कि यदि आप हिस्ट्री के फैक्ट्स को पढ़ते हो, उसके इवेंट्स को या ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके दौरान आपको दो तीन बातों का ख्याल रखना होता है. नंबर एक कि आप इसका अपना एक चार्ट तैयार करो. इसके अंदर यदि संभव हो सके तो सेंचुरीज के साथ में मिला के मैप पे इवेंट्स को लोकेट कर दो तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी. इसी के साथ ही कई सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में लोगों को ये लगता है कि ये तो बहुत ही अनावश्यक या बहुत ही बोरिंग किस्म का फैक्ट है, जबकि वो एक स्टोरी का डिफरेंट पार्ट होता है. जैसे कि आपसे यदि किसी ने ये पूछ दिया कि ये पांच इवेंट्स हैं, आप इन्हें अरेंज करो, तो पांच इवेंट्स को आप अलग अलग याद करने के बजाय ये समझने की कोशिश करो कि ज़्यादातर वो एक स्टोरी का पार्ट होता है. जैसे कि इंडिया में ब्रिटिश शासन के दौरान सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल आया, उसके बाद भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, उसके बाद भगत सिंह को फांसी दी गई, इसके बाद कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में जाने का फैसला किया. सम्मेलन में जाने का फैसला करने के लिए उनको कराची कांग्रेस में सहमति मिल गई. ऐसे पांचों इवेंट यदि आपको दे दिया तो आपको इसे याद नहीं करना था, स्टोरी समझनी थी इसकी. नंबर तीन कि अप्रोच टू प्रिपेयर एवरी सिंगल क्वेश्चन कैन बी डिट्रीमेंटल. मीन्स आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया से, 12 पूछे गए, अब 12 में से 12 क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करोगे, दैट कैन बी फेटल. आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा कि हमें 80% परफॉर्म करना है, क्योंकि यूपीएससी में 60% में सिलेक्शन की गारंटी हो जाती है. Now I'll move towards the next section, that is the important areas to study. UPSC ने बहुत detailed syllabus नहीं दिया, but we are going to give you a little detail, और इसका आगे का detail आपको जागरण जोश के network पर मिल जाएगा. इसके तहत आप सबसे पहले देख सकते हो British victory in India. British victory in India में हमें India के different states को अंग्रेजों ने कैसे जीता है ये देखना होता है. वी डू नॉट नीड टू गो इन टू द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन, लाइक मराठा का डिटेल या मैसूर का डिटेल, वी डोंट नीड दैट थिंग. ब्रिटिश विक्ट्री के दौर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, इसके सिवा कुछ भी नहीं. सेकेंड सेक्शन इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके अंदर कम से कम एक से दो क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं. इसके अंदर आपको मिलिट्री रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, रेवेन्यू रिफॉर्म आदि के अलावे मीडिया से रिलेटेड रिफॉर्म
और कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होकर चला जाता है माउंटबेटन प्लान तक, उसके आगे का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हमारे मॉडर्न इंडिया के सेक्शन में नहीं आता है। नेक्स्ट एरिया में आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट। अब देखोगे कि लगातार एक क्वेश्चन ड्रेन ऑफ विल से आता है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल पॉलिसी से क्या इम्पैक्ट पड़ा, या ब्रिटिश गवर्नमेंट की रेवेन्यू पॉलिसी से इंडिया के लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा। ये सब एक सामान्य सी बातें हैं जिसके ऊपर एक आध क्वेश्चन प्रायः आता ही रहता है। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इन दिस सेक्शन वी हैव टू कवर फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय टू द 1928 शारदा बिल। ये एक ऐसा खंड है जिसके बीच से क्वेश्चन लगातार आता रहा है और इसके कवरेज के लिए आपको बहुत अधिक फैक्चुअल डिटेल में नहीं जाना, बट यू शुड कवर द बेसिक लिटररी वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क एंड द आइडियाज ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स अबाउट द सोसाइटी एंड अबाउट द कल्चर। ये एक फोकस कर रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं डिफरेंट रिवोल्ट्स की ओर। ब्रिटिश गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के साथ लगातार रिवोल्ट्स होते रहे, चाहे वो पिजेंट रिवोल्ट हो या ट्रेवल रिवोल्ट हो, और इन सब में सबसे विशाल द मैग्नेनिमस फॉर्म ऑफ द रिवोल्ट वी कैन विटनेस इन 1857। इनके बीच में से एक क्वेश्चन प्राय आता है। आज के डेट में आप देखो तो इसके क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसा नहीं रह गया है कि आप बहुत सारे फैक्ट्स याद कर लो और बन जाएगा। फैक्ट्स की खास जरूरत भी नहीं है, यदि आपके दिमाग में इसके बेसिक नो हाउस क्लियर हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए फिर आपको टेक्स्ट की ओर जाना पड़ेगा। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इन दिस सेक्शन कांग्रेस लेड मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरीज, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट लीडर्स ऑल आर एक्सपेक्टेड टू बी कवर्ड। दिस सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली। नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स द कम्युनल पॉलिटिक्स एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। जनरली पॉलिटिक्स बेस्ड क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड इन दिस एग्जाम, बट द कमिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, द प्रोमिनेंट लीडर्स, देयर बुक्स, द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स वी शुड कवर, एंड अ चार्ट विल बी गुड इनफ टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सेक्शन जनरली covers 1 or 2 questions, particularly from 1909 to cabinet mission. And finally, one section is about the integration of India. Because during the British government, we find that India was divided into 2 parts. Number 1, directly controlled area of the British government, and number 2, the princely states. When India got independence, princely states too was integrated into India. That integration is very important. From that section, one question is generally asked. Now, into the next section, we'll discuss about the questions. One question you can see on the screen, that is about the Redcliffe Committee. Redcliffe Committee was appointed to what purpose? The options are given. You can understand that Redcliffe was a very, very important person during the last years of the British government, rather last days of the British government, who derived the boundary between India and Pakistan. This is a very basic question, but you should remember that from the same point, UPSC can ask you the next question about the Redcliffe Committee. This is a very basic important strategy to prepare. Whenever you find one question, you go for the next potential question from that same point. Like Redcliffe Committee was constituted by which act, or Redcliffe Committee submitted the report at which date, Redcliffe Committee was constituted exactly to do what role. These are the
areas from where the next question can be asked. And for the further detailed questions, you should visit Jagran Joe's website. Now, let me move to the next section. What are the basic strategies a student should follow? Number one, comprehensive coverage. Comprehensive coverage means students should not leave any topic. It does not mean to go into the extraordinary detail of every topic. The next point is related to that. कि आपको किसी भी टॉपिक के हॉरिजेंटल विड्थ पे फोकस करना है. मींस एक टॉपिक के कितने पोटेंशियल डायमेंशंस हैं. आपको डायमेंशन का बेसिक कवर करना है, ना कि उसके वर्टिकल डिटेल में जाना है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन. व्हाट इज बेसिक? दिस इज द बिलियन डॉलर क्वेश्चन फॉर द प्रिपरेशन. दैट बेसिक इज टू बी made clear in the mind only when you will go by the basic concept. Supposingly, a question is asked about the Gandhian movement of 1942, when Gandhi was leading the national movement. Generally, he was always at the helm of the affairs. Like in 1920 or 1930, he was the leader. He gave the philosophy, the program, the methodology, and all the activists did all the services according to the line given by Gandhi. Lekin 1942 ek different movement tha. Andolan ki shuruaat hi hoti hai to Gandhi ne keh diya ki is andolan ko ho sakta hai ki government pehle hi din se dabane ki koshish karegi. So leadership is given to the people. ये पीटी की तैयारी करने वाले, फैक्चुअल तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स पढ़ते भी नहीं है, लेकिन कमीशन यहां से क्वेश्चन पूछता है. गांधी को पहले से पता था कि ये आंदोलन चूंकि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में हो रहा है, तो सरकार इससे बहुत जल्दी दबाएगी. तो उन्होंने कह दिया कि इस बार आंदोलन का लीडरशिप जनता स्वयं संभालेगी. यहीं पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया, ऑप्शन देने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया कि नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट में वायलेंस हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट्स जो है वह स्पॉन्टेनियस है. लेकिन पीटी के एग्जाम में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे फोकस करना होता है, और यह बेसिक बात है कि इस मूवमेंट का लीडरशिप गांधी ने नहीं किया था. नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन. दैट इज अबाउट दी नो दैट इज अबाउट दी clarity of the concept. Supposingly, if commission is asking a question against 1857 or the tribal movement or any other section, you should understand that the questions are covered not only through the rarest sections of the factual aspect of history. They can ask you, okay, why 1857 revolt happened? What are the reasons behind the tribal movement? So you should care that you have to care the know-how. Why, how, where, who? These are the basic questions of history. So if you are reading the peasant movement, why the peasant movements are occurring time and again, you should care, and questions can be solved. Let me move to the next point. You should always focus the previous question papers. Previous year's question papers will serve you enormously. Number one, it will set your tune. You will come to know what is the standard UPSC is following, from which points questions are generally asked. If you are going into unwanted detail, it will stop you. If you are preparing only superfluous, it will press you that you have to go to further detail. Number three, you will come to know the style of question making, and along with that, you will come to know that how UPSC is designing the options. These are the very important aspects of the preparation. Unless and until you do it, you will always fail the first, always
face the fiasco. The next point is related to the quiz. Quiz is very important aspect for the preparation of preliminary examination, because if you keep going through the quizzing, you will come to know about the basics. Basics are very, very important. If you know the basics, at least 20 to 25% questions will be covered just on account of these things. And it is useful even further, because three or four options are given. You have to eliminate. To the elimination process, you will have to use two things. एक तो आपको बेसिक फैक्ट यूज करना पड़ेगा, और दूसरा आप यदि उस टॉपिक की समझ रखते हो तो आप चार में से एक्यूरेटली कौन सा आंसर है वो नहीं जानते हो, लेकिन आप ये तय कर सकते हो कि ये आंसर नहीं होगा या दूसरा आंसर नहीं होगा. तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन के प्रोसेस के रास्ते रियल आंसर तक पहुँच सकते हो. सो क्विज आपको दो तरीके से सपोर्ट करेगा. क्विज के बाद जब आप अपने प्रिपरेशन के नेक्स्ट लेवल पे जाते हो तो आपको यह पता चलता है कि रिवीजन का तीन लेवल आपको चाहिए. सबसे पहला रिवीजन, जो आपने पढ़ा उसे आप दो बार कम से कम रिवाइज करेंगे. जब आप दो बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बेसिक बातें आ जाएगी. उसका चार्ट बना लो. चार्ट बना लेने के बाद आपके सामने अभी भी कुछ बेसिक चीजों की गलती रह जाएगी, और उन बातों को ठीक करने के लिए आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की ओर जाना पड़ेगा. और जब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की ओर जाओगे तो वहां पर सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन अवेलेबल होना चाहिए जो जागरण जोश के नेटवर्क पर अवेलेबल है. अब आप उन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने के बाद ये देखिए कि जहां जहां गलत हो जा रहा है वो आपके वीक एरियाज हैं, उन वीक एरियाज को कवर करो. नंबर तीन, इफ द वीक एरियाज आर कवर्ड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कमीशन ने जहां से क्वेश्चन पूछा है उसके फर्दर डिटेल पे क्वेश्चन आ सकता है, उसके उन ऑप्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है जो ऑप्शन इस बार क्वेश्चन का आंसर नहीं था. ये सारे एरियाज को यदि आपने कवर कर लिया तो ये डिटेल तो ये रिविजन आपके लिए साइंटिफिक होगा. रिवीजन को जनरली लोग अनसाइंटिफिक तरीके से करते हैं तो रिपीटेशन हो जाता है. जो मैंने तरीका बताया उसके रास्ते आप साइंटिफिक रिवीजन कर सकते हो. फाइनली जब आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत सारे एरियाज हैं जहां के फैक्ट्स हैं आप भूल जाते हो, उन भूलने वाले चीजों का फुटनोट्स बना लो, और यदि आपने उन फुटनोट्स को बार बार रिवाइज किया तो आपका काम हो जाएगा. अब इसके अंदर जितने डिटेल हमने बता दिया उस डिटेल के बाद यदि इसके फर्दर डिटेल में जाना चाहते हैं तो आपके पास भी जागरण जोश का नेटवर्क अवेलेबल है, आप वहां विजिट कर सकते हो. नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज अबाउट द रिकमेंडेड बुक्स. इन दिस सेक्शन आई विल रिकमेंड यू नंबर वन द एनसीईआरटी बुक्स फॉर मॉडर्न इंडिया, दैट इज ऑल्सो द करेंट वर्जन ऑफ एनसीईआरटी. नंबर टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, दैट इज रिलेटेड रिटन बाय बिपिन चंद्रा. नंबर थ्री यशपाल एंड ग्रोवर. यशपाल एंड ग्रोवर्स बुक इज वेरी डिटेल्ड बुक, सो यू शुड नॉट फोकस ऑल द फैक्चुअल थिंग्स गिवन इन टू दैट बुक, बट द बुक इज designed very properly. And for the further things you can move to the other important sources also. So into that section Jagran Jose is going to give you so many details like the test paper, the quizzing, the resource material, etc. Hope I could serve you properly. This session is going to be finished here. All the best.